प्रेजेंट फाइव इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन दिस ब्रीफिंग. मैं आज की इस ब्रीफिंग में पांच इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आपके सामने रखूंगा. आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को, अन्नदाताओं को हमेशा एक प्राथमिकता देते हैं. अपने नए कार्यकाल में जो सबसे पहला डिसीजन लिया वो डिसीजन भी किसानों के हित में लिया गया था. आज की कैबिनेट में ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. इन टुडेज कैबिनेट आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैज बीन टेकन रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स. खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है. खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है. मैं इन प्राइसेस के बारे में पढ़ूंगा, उससे पहले आई विल गिव द कॉन्टेक्स्ट. इन द 2018 यूनियन बजट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड गिवन अ वेरी क्लियर पॉलिसी डिसीजन had taken a very clear policy decision that MSP कम से कम डेढ़ गुना होनी चाहिए कॉस्ट की. इट हैज टू बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो आज के जो फैसले आप देखेंगे, इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है. एवरी क्रॉप दैट आई एम गोइंग टू रीड आउट विल हैव एटलीस्ट 50% मोर एमएसपी कंपेयर टू द कॉस्ट. और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है. इसका एक मैकेनिज्म है सीएसीपी के द्वारा देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है. तो इसके आधार पर आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान. सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीस डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीस इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी. आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310. यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है. किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है. इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीस डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीस ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस एमएसपी. अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में एमएसपी वाज ओनली